हेलो, वेलकम टू संजीव मीडिया स्टूडेंट। दिस इज शिखा कुश्रेष्ठा बिफोर यू। आज का ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम कंप्यूटर क्विज, एक आपका रैपिड फायर कंप्यूटर क्विज प्ले करेंगे, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस देंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जिसमें एमपी पटवारी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, अपकमिंग सीपीसीटी का एग्जाम हो, ग्रेड 4 का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये कंप्यूटर क्विज काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड्स का समय दिया जाएगा। आफ्टर 10 सेकंड्स उसका आंसर शो हो जाएगा। तो आपको करना यह है कि ये क्विज लगाने से पहले आप अपने पास में एक कॉपी रखें, आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं उनको आप एक बार लिख लें कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और एंड में आपको जो है उसकी कितनी आपकी स्कोरिंग हुई है, टोटल 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो रैपिड फायर क्विज गेम है ये आपका, जिसमें कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हम लगाएंगे, हर क्वेश्चन का 10 सेकंड्स आपको समय रहेगा। तो लेट मी स्टार्ट अपना क्विज, हम स्टार्ट करते हैं। Our first question is, C programming language में गुणन अंकगणितीय ऑपरेटर को निम्नलिखित में से किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? कैरेट साइन, एस्ट्रिक साइन, स्लैश साइन और क्रॉस साइन। यानी कि आपकी C programming के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर जो मल्टीप्लिकेशन के लिए उपयोग में आता है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज एस्ट्रिक सिंबल। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा अपने, अगर आपने यही आंसर दिया है तो एक नंबर आप अपना लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर पर आधारित कार्यों का उदाहरण नहीं है? यानी कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो है वह नहीं है, कौन सा आपका? चिकित्सा इमेजिंग उपकरण में पाई जाने वाली छवि प्रसंस्करण, इंटरनेट ब्राउजर, विमान में पाई जाने वाली फ्लाई वायर कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक लाइट में पाए जाने वाले ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इनमें से क्या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज इंटरनेट ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यानी कि NTFS का समर्थन नहीं करती है? विंडोज NT 4.0, विंडोज NT 3.5, विंडोज ME, विंडोज 2000। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन चार में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम NTFS पर आधारित नहीं है, इसका आपको आंसर देना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज विंडोज ME। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा का उपयोग करती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि किस कंप्यूटर पीढ़ी में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग होता है? फोर्थ जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रे डिस्क का वेवलेंथ कितना होता है? 405 nm, 650 nm, 600 nm, 780 nm। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
405 nm. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक एक प्रकार की या का है? ब्लॉक क्या है? वेब ब्राउजर, स्टेज, लेयर, वेबसाइट। आपको आंसर देना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेबसाइट। सो ब्लॉग इज अ वेबसाइट। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आप वीडियो को और भी लोगों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक रंग उत्पन्न करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड की कलर डेप्थ कितनी होती है? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज 24 बिट्स। आप अपने जितने भी क्वेश्चन सही होते जाए वो लिखते जाए और मुझे कमेंट करके बताएं कितना आपका स्कोर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब होता है जब ज्यादा ऊर्जा की खपत वाले हिस्से जैसे कि मॉनिटर या हार्ड ड्राइव बंद पड़ जाते हैं। क्या चीज? लॉक ऑफ, पावर डाउन, स्टैंड बाय मोड या शट डाउन की प्रक्रिया। इनमें से क्या काम तब होता है जब ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाले हिस्से जो है वो बंद हो जाते हैं? योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टैंड बाय मोड। आंसर इज स्टैंड बाय मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर, C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, यह किसके द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, वाइजन स्टैटिस्टिक्स, पिटोसालास, लाइनस टोरवेल्ड और ग्वाइडो वॉन रूसुम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। वजैन स्टैटिस्टो, इन्होंने C++ को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो फाइल को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? MP3, AVI, JPG, EC3। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज .avi, वीडियो फाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर को संयोजित करने के लिए निम्न में से कौन सा इंटरफेस नहीं है? USB, Wi-Fi, फाइबर ऑप्टिक्स, सीरियल पोर्ट। इनमें से किसका उपयोग प्रिंटर को कनेक्ट या प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इनका उपयोग प्रिंटर कनेक्टिविटी के लिए नहीं होता है। आई होप आपको सही क्वेश्चन जा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। आप पूरे 20 क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा लाइन प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर। आपको बताना है लाइन प्रिंटर कौन सा है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th नंबर, अधिकांश मेल प्रोग्राम ईमेल में स्वचालित रूप से निम्नलिखित में किस दो भागों को पूरा करते हैं? फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम डेट, फ्रॉम टू, फ्रॉम सब्जेक्ट। यानी कि मेल को लिखते समय
स्वचालित रूप से नहीं ऑटोमेटिकली इनमें से क्या चीज स्वतः लिख जाती है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज फ्रॉम और डेट, ये स्वतः लिख जाती है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसको लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक डोमेन कार्यों की एक लाइब्रेरी है, विकिलिब, विकी हाउस, विकी सोर्स, विकी होम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज विकी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन स्पेसिंग से आप क्या समझते हैं? यह वर्णों की चौड़ाई के बारे में बताता है, यह वर्णों की ऊंचाई निरूपित करने वाली माप की एक निश्चित इकाई है, यह प्रत्येक टेक्स्ट लाइन के आधार रेखाओं के बीच की दूरी को संदर्भित करता है, यह बिंदुओं का निरूपण करता है। इनमें से लाइन स्पेसिंग के बारे में क्या सत्य है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज यह प्रत्येक टेस्ट लाइन की आधार रेखाओं के बीच की दूरी को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, डिबगर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आमतौर पर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में स्वरूपित की नहीं होता है? ऑप्शन इज ऑर्डिनल नेमरल्स, कॉपीराइट सिंबल्स, केमिकल सिंबल्स, आइकन्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज आइकन। 18th नंबर क्वेश्चन, एक सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक आपस में संचार करते हैं क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDSL का पूर्ण रूप क्या है? सेमेंटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सिंबॉलिक डायनेमिक सब्सक्राइबर लाइन, सिस्टमैटिक डिजिटल सर्विस लाइन और सिंक्रोनस डेटा सर्विस लाइन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज सेमेंटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीमेल व्हाट सेपरेट यू योर ईमेल बाय कैटेगरीज? आइकन्स, लिंक्स, टैब्स एंड सेंडर्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज टैब्स। आई होप आप लोगों के पूरे 20 क्वेश्चंस लग चुके होंगे। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसको आप मेरे को कमेंट करके बताइए। रैपिड फायर था इसलिए मैंने इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है।
ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं, रैपिड फायर है ये आपका, ठीक है। अगला आपको कैसा लगा, अगर आपको ठीक लगा है तो हम अगला रैपिड फायर भी जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करो और सारे क्वेश्चंस को लगा करके आप कमेंट करो मुझे कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।